आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ 15 अगस्त की खास रेसिपी। तो आज मेरी वीडियो में बने रहिएगा और मैं बताऊंगी आपको तिरंगा रेसिपी कैसे बनाएं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक नाप के 3 कटोरी लिया और यहाँ पे मैदा को मैं तीनों को एक नाप से लूँगी। यहाँ 2-2 चम्मच मैं मैदा ले रही हूँ और यहाँ आप गेहूँ का आटा भी यूज कर सकते हैं, सूजी भी यूज कर सकते हैं, आप जिसे बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं अब डाल रही हूँ ऑयल और नमक। यहाँ चुटकी भर नमक डालना थोड़ा थोड़ा करके स्वादानुसार। और यहाँ मैं ऑरेंज कलर यानी केसरी कलर डाल रही हूँ और यहाँ ग्रीन कलर डालें और इनको हम पहले अच्छे से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इनको अच्छा सा, जैसे अपने पूड़ी के लिए डो बनाते हैं रोटी के लिए, सेम उसी तरह हम यहाँ आटा लगा लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पानी डाल करके, हमको एक साथ पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना। और देखिए मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर जो तिरंगा का मैंने रेडी कर लिया और इस तरह से मैंने तीनों को रेडी कर लिया। तो देखिए हमारे तीनों ऑरेंज कलर, ग्रीन और वाइट, ये तीनों हमारे कलर बनकर रेडी हो गए। और मैं अब एक डो का 4 पीसेस करूँगी, एकदम छोटे छोटे नींबू से छोटे छोटे बॉल बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए मैंने इस तरह ग्रीन कलर के 4 पीसेस कर लिए, एकदम नींबू से छोटे साइज के मैंने यहाँ बॉल बना लिए हैं और यहाँ मैंने 3-3 कलर के अलग कर लिया है। देखिए यहाँ पे हमारे 4 बॉल बनकर रेडी हो गए सभी। तो अब यहाँ मैं तीनों कलर का एक एक ले लिया है और इस तरह से हम एक दूसरे को परख करके चिपका लेंगे। और यहाँ थोड़ा सा आटा डाल करके यहाँ पे परखन लगा के बेल लेंगे पूड़ी की तरह। बहुत सिंपल है और बहुत ही टेस्टी नमकीन पूड़ी बनकर हमारी रेडी होगी। तो देखिए आप इस तरह के एकदम पूड़ियों को अच्छे से बेल लेंगे। और एक साइज देने के लिए हम लूँगी एक छोटी सी कटोरी। तो आप गिलास, आप जितना साइज का पूड़ी बना रहे हैं उसी हिसाब से कोई बर्तन लेके आप यहाँ पे गिलास कटोरी से यहाँ पर एक साइज कटिंग कर लीजिए। देखिए मैंने इतनी प्यारी सी पूड़ी बनाकर रेडी कर लिया है और इसी तरह से मैं दूसरी पूड़ी भी रेडी कर लूँगी। तो आपको ये मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे तरफ से आप सभी लोगों को, यूट्यूब फैमिली को, मेरे सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। और इस रेसिपी को मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। देखिए मैं तीसरी जो दूसरी स्टाइल की थी उसका मैंने फिर कटिंग कर लिया है और बीच में प्रेस करके हम यहाँ पे इनको छोटे छोटे बॉल बना लेंगे और प्रेस करके थोड़ा सा बेल लेंगे। तो हमारी ये राउंड वाली जो मटरी शेप का आता है उस तरह ये रेडी हो जाएंगी पूरी छोटी छोटी सी पकौड़ी की तरह। अब यहाँ पे मैं एकदम लंबा सा साइज करके एकदम बेलन टाइप इसको पतला पतला कर लूँगी और तीनों के एक नाप बना करके हम तीनों को ऐसे एक दूसरे पर चढ़ा करके ऐसे राउंड राउंड करके लंबा सा बना लेंगे। देखिए हमारा तिरंगा की 3 स्टाइल बनकर रेडी हो गई हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। और देखिए कितना अच्छा प्यारा कलर आया है इसका। चलिए हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे अब हम इसको पूड़ी की तरह अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो आप ऐसे मेरे वीडियो साथ एंजॉय करिए और मेरे सारे वीडियो पूरा वीडियो देखिएगा और आप लोगों को मज़ा आ जाएगा तिरंगा रेसिपी देख करके। बाय बाय, एंजॉय करिए आप मेरे वीडियो के साथ।